बड़ी खबर, भंडारा में वैनगंगा के दूषित पानी से है खतरा, समस्याओं से छुटकारा दिलाने की मांग। भंडारा महानगर की गंदगी धोने के प्रयास में झाड़ी पट्टी से बहने वाली निर्मल वैनगंगा शापित बनी हुई है। यहां के कृषि उत्पादन के साथ मछली पकड़ना प्रभावी हो गया है। हजारों भूमि पुत्रों के सामने कई समस्याएं निर्माण हुई है। अभी इस वैनगंगा का उद्धार कब होगा, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। पूर्व विदर्भ से बहने वाली वैनगंगा नदी इस क्षेत्र के जिले की जीवनधारा है। धान की खेती, घने वन तथा असंख्य तालाब यहाँ की पहचान है। इस क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ना, सिंघाड़ा आदि का प्रमाण अधिक है। कई छोटे बड़े नदियों का प्रवाह अपने साथ ले जाने वाली वैनगंगा झाड़ी प्रदेश का मुख्य आधार है। तो वहीं धीमा समाज पर भी हो रहा है अन्याय। वैनगंगा नदी के किनारे पूर्व से ही माली तथा धीमा समाज बड़ी संख्या में स्थित है। जनसंख्या वृद्धि के साथ अन्य समाज का भी इसमें समावेश होता गया। प्रकल्प का कार्य शुरू होने पर 32 गांव के किसानों, नागरिकों के खेती के मकान संपादित कर उनको मुआवजा दिलाया गया, किंतु इसमें सबसे अधिक विस्थापित धीमर बंधुओं पर अन्याय हुआ है। नदी पात्र में मछलियां पकड़ने वाले धीमर समाज को खेती व पक्के मकान नहीं होने से उनको कम मुआवजा मिला है। अभी प्रकल्प के पानी में मछलियों पकड़ने का अधिकार भी मिलेगा अथवा नहीं, इस संबंध में संदेह है। जहां घोसी खुद प्रकल्प में भी दूषित पानी पाया गया है। वैनगंगा नदी पर घोसी खुद में बड़ा प्रकल्प निर्माण किया गया। पिछले 35 वर्षों से प्रकल्प का कार्य शुरू था। पिछले 5 वर्षों से प्रकल्प में पानी रोका जा रहा है, किंतु इसके बाद प्रकल्प में जमा पानी दूषित होने का दिखाई दिया है। कना नदी, नाग नदी का दूषित व रसायन युक्त पानी बहने से वैनगंगा दूषित हुई है। इस कारण घोसी खुर्द प्रकल्प में दूर तक बैक वाटर फैला रहने पर भी इसका पानी पीने के लिए सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस नदी के पात्र में तापमान बढ़ने पर इकानिया वनस्पति बढ़ती है। इस कारण नदी के जलचर प्राणी व वनस्पति के प्रजाति संकट में पड़े हैं। नाग नदी का पानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया करने पर ही छोड़ने की मांग जिले के नागरिक व पर्यावरण प्रेमियों ने बार बार की है। जहां नागपुर महानगर पालिका इसके लिए धीमी गति से कार्य कर रहे हैं, किंतु आने वाले 5 वर्षों तक वैनगंगा का शुद्धिकरण होगा शायद ही। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।